खबर बुरहानपुर से है, जहां जिला अस्पताल धोखाधड़ी व शासकीय राशि गबन मामले का मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी प्रतीक नवलखे से 11 लाख नगद जब्त किए हैं। अब तक आरोपी से कुल 17 लाख नकदी जब्त की जा चुकी है। प्रकरण में अस्पताल के लेखा शाखा के मुख्य बाबू समेत 4 आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी प्रकरण में विवेचना जारी है। दरअसल पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश व CSP ब्रजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में लालबाग पुलिस ने जिला अस्पताल धोखाधड़ी व शासकीय राशि गबन प्रकरण में मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रतीक नवलखे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रतीक नवलखे पीएस नवलखे द्वारा वर्ष 2020-21 में कोरोना काल के दौरान जिला अस्पताल में रोगियों के लिए विभिन्न मदों में आई शासकीय राशि को फर्जी खातों के माध्यम से निकालकर धोखाधड़ी पूर्वक गमन किया गया था। लालबाग पुलिस द्वारा आरोपी प्रतीक से 11 लाख की नगद राशि जब्त की गई है। पुलिस द्वारा आरोपी प्रतीक की चल अचल संपत्ति की जानकारी निकाली जा रही है, जिन्हें साक्ष्य अनुसार जब्त किया जाएगा। प्रकरण में पुलिस द्वारा सूक्ष्मता से विवेचना करते हुए साक्ष्य व पूछताछ के आधार पर गमन में सम्मिलित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। विराट 24 के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारियों को तुमने नोटिस पे डॉक्टर बना लिया और खुद ही और जो डॉक्टर शकील अहमद सिविल सर्जन है उन दोनों के हस्ताक्षर से वो पूरा के पूरा पैसा इन लोगों के अकाउंट में डाला गया। जो सफाई कर्मचारी है उनको डॉक्टर बताया गया और उनके अकाउंट में पैसा डाला गया। वो सारे के सारे अकाउंट जो है वो इनके प्रतीक नवलखे के द्वारा उनसे आईडी कार्ड लेकर खुद खुलवाए गए। उन अकाउंट का संचालन जो है वो इनपुट करता था, उसमें से वो पैसा निकाल लेता था। साथ ही साथ में इनके द्वारा जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन से भी बहुत सारा पैसा निकाला गया। उसके लिए अलग अलग फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर काफी बड़ी मात्रा में जो है वो सफाई कर्मचारी का अकाउंट इस्तेमाल किए गए। जब ये फर्जीवाड़ा चल रहा था तो इस फर्जीवाड़े की जानकारी कुछ लोगों को पता चली। अब जब उन लोगों के द्वारा जो है वो कहीं पे कोई आईटीआई एक्टिविस्ट था, कोई जो है वो अपने आप को पत्रकार बता रहा था इस तरीके से कि भाई हम लोग जो है वो खबर को उजागर करेंगे, ऐसे उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ में साठगांठ करके फिर पैसा निकालना स्टार्ट किया। प्रतीक नवलखे ने जहाँ जहाँ पे हो सका है वहाँ वहाँ पे कुछ लोगों को पैसा दिलवाया, पैसा दिया। जहाँ पे उसको जरूरत पड़ी वहाँ पे उसने कुछ लोगों के साथ में जो है वो फोन बनाए, जैसे कि भी आपने देखा पिछली बार हम लोगों ने संजय दुबे की गिरफ्तारी की थी, उसके अंदर उसने संजय दुबे के साथ में एक फॉर्म बनाई और उस फॉर्म को फॉर्म के नाम से जो है वो अलग अलग बिल जनरेट किए, लगभग 50 लाख के बिल जनरेट किए और वो पूरा के पूरा भुगतान जो है वो इसको संजय दुबे को किया गया। संजय दुबे को भुगतान हो गया 50 लाख के आसपास का। उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटी से कुछ प्लॉट्स निकले हुए थे, अभी हम लोगों ने उसमें भी एक रिटर्न डाल दिया है।